हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं नोकिया के 5 फीचर के बारे में। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन रिबूट रिस्टार्ट कैसे करोगे दोस्तों, यदि आपका टच नहीं काम कर रहा है। दोस्तों, यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है दोस्तों, तो एक बार अपने फोन को आप रिबूट करके जरूर देखिए। तो आप अपने फ़ोन को रिबूट कैसे करोगे दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो आपको अपना फ़ोन रिबूट रिस्टार्ट करने के लिए जो है दोस्तों, जो पावर बटन को आपको प्रेस करके रखना है दोस्तों, थोड़ा टाइम तक आपको पावर बटन प्रेस करके रखना है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों हमारे फ़ोन में कि अचानक हमारा फ़ोन जो है चलते अचानक टच काम करना बंद कर देता है, हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे डिस्प्ले पर कुछ नहीं आता है, हमारे मोबाइल में फ़ोन आता है डिस्प्ले पर कुछ नहीं आता है, या हमारे डिस्प्ले का रंग ब्लू हो गया है। तो एक बार अपने मोबाइल को एक बार आप रिबूट और रिस्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। नोकिया का कोई भी फ़ोन हो, इस प्रकार से यदि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया है तो आप जो है स्ट्रीक का इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिए। आप अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट कीजिए। आपको अपना फ़ोन रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए दोस्तों पावर बटन को प्रेस करके रखना है लगभग 10 सेकंड तक। जब तक आपका फ़ोन जो है रिबूट और रिस्टार्ट ना हो जाए तब तक आपको पावर बटन प्रेस करके रखना है। जब आपका फ़ोन रिबूट हो जाए तो आपका फ़ोन जो है रिबूट हो जाए तो आपको पावर बटन छोड़ देना है। इस प्रकार से आपका जो है नोकिया का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, यदि आपका टच हैंग हो गया होगा तो आपका जो है टच सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब हमारा फ़ोन जो है ऑन होने वाला है। इसके बाद हम आपको चेक करके दिखाऊंगा कि आपको मतलब क्या हुआ या नहीं। मतलब ये देखिए, हमारा जो है टच काम करने लगा है दोस्तों। यदि आपका टच हैंग हो गया है तो स्ट्रीक का इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिए दोस्तों अपने फ़ोन में। चलिए दोस्तों, आज इस मोबाइल इसे वीडियो में मैं आपको 5 सेटिंग के बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों पहला सेटिंग, और जो है आप दूसरे सेटिंग के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको जो है दूसरा सेटिंग दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आपको स्क्रीन शॉट अपने मोबाइल में कैसे लेना है दोस्तों। दोस्तों, अब हम आपको बताऊंगा कि स्क्रीनशॉट आप अपने नोकिया फ़ोन में कैसे ले सकते हो दोस्तों। आपका नोकिया का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, इसमें स्क्रीनशॉट लेने का आपको मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। बहुत से फ़ोन में जो है 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तो आपको जो है स्क्रीनशॉट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन और जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके छोड़ना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को हम प्रेस करेंगे तो आप जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक साथ आपको प्रेस करना है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो है स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। जो है इसमें वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपको जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। ध्यान रखना, एक साथ ही प्रेस करना है आपको, तभी आपका जो है स्क्रीनशॉट होगा दोस्तों। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आपका जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा जो है स्क्रीनशॉट हो गया। इस प्रकार से आप अपने नोकिया फ़ोन में जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दोनों बटन को एक ही साथ प्रेस करना है, तभी जो है आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। आपका यदि पहले वॉल्यूम डाउन बटन दब जाता है तो आपको जो है वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको जो वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करोगे तो जो है आपका जो स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट होने लगा है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे तीसरे सेटिंग के बारे में बात करूँगा दोस्तों। तो चलिए आपको बता देता हूँ तीसरे सेटिंग में आपको क्या करना है दोस्तों। कभी कभी ऐसा फ़ोन में हमारा सेटिंग हो जाता है कि हमारा जो है टच काम करना बंद कर देता है। कहीं भी मतलब हम टच करते हैं तो वहाँ पे मतलब हरे रंग का आइकन बनता है और जो है मोबाइल से बोलने की आवाज़ आता है। तो इस प्रकार से यदि आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको डबल प्रेस करना है और ऊपर नीचे करने के लिए आपको जो है डबल फिंगर का प्रयोग करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने मोबाइल का लॉक खोल लीजिए। लॉक खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्वाइप करके जो है आपका मेनू निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए, कहीं भी टच कर रहे हैं तो हरे रंग का आइकन बन रहा है और जो है मोबाइल से बोलने की आवाज़ आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए डबल फिंगर का प्रयोग करके जो है अपना जो है मेनू निकालेंगे। मेनू निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग पर जो है एक बार प्रेस करके जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डबल प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओके हो जाएगा। तो चलिए डबल प्रेस करके इसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाए एक्सेबिलिटी का ऑप्शन। यहाँ पे एक्सेबिलिटी है, एक बार क्लिक करोगे तो उसके बाद ये इसको डबल प्रेस कर देना तो यहाँ पे ओके हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे टॉल बेल क्या हुआ है, टॉल बेल ये हमारा जो है ऑन हो गया है, इनेबल हो गया है, इसे हमें डिसेबल करना है। तो यहाँ पे ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा। स्टॉप पे डबल प्रेस कर देना है तो हमारा जो है टॉल बेल डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीके से हम जो है अपने मोबाइल का डिसेबल टॉल बेल डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम चलिए दोस्तों
आपको चौथे सेकंड के चौथे सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो है सेटिंग में LCD का कलर जो है सेटिंग से जो है बदल जाता है, डिस्प्ले का कलर जो है चेंज हो जाता है। दोस्तों आपका ये डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया तो आप कैसे उसको सेट करोगे, दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो क्लास से आप जरूर देखना। यहाँ पर देखिए हमारा जो है मेनू का कैसा कलर है, सभी ऐप्स का कौन सा कलर है। अब दोस्तों इसको हटाने के लिए दोस्तों हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम एक्सेबिलिटी पे जाएंगे। एक्सेबिलिटी पे जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे फिर थोड़ा नीचे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कलर जो है करेक्शन, यहाँ पे इसको हम ओके करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ऑन है तो यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। आपका यदि यहाँ से ऑन हो गया है तो इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारे सारे ऐप का कलर जो है सही हो गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हमारा यदि डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पर हम जाके जो है अपने मोबाइल का डिस्प्ले का कलर जो है चेंज कर सकते हैं, अपने मोबाइल के डिस्प्ले का कलर जो है सही कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करने वाले लास्ट सेटिंग के बारे में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बैक बटन, बैक बटन यदि आपके मोबाइल में बैक बटन सेटिंग से गायब हो गया है और आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे देखिए बैक बटन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर स्विप करने पर बैक होता है, लेकिन आपको यदि आपका बैक बटन लाना है दोस्तों तो आपको कैसे लाओगे दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अब लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कॉल करने पे यहाँ पे देखिए हम जिसे हम बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ स्विप करेंगे तो हमारा बैक होता है, यहाँ पे बैक बटन का ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करना है दोस्तों। सेटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टम पर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे गेस्टेस लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख लीजिए आपको लिखा हुआ आ जाएगा सिस्टम निगेटिवेशन, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे डबल की का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल की का भी ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम ट्रिपल की पे ओके कर देंगे, ट्रिपल बटन पे। तो यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है बैक बटन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तीन बटन आ गया है, बैक मेनू और जो है ऑप्शन का काटने का दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से चलिए बैक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो है बैक बटन आ गया है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों जो आपको जानना बहुत जरूरी है अपने नोकिया फोन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।